हमें बताओ ना, हेन मैम का ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है? वो वापस आएंगी ना? जरूर आएंगी। उनके आने पर यहाँ पर लीडरशिप बदल जाएगी ना? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। पूरी कंपनी में नई लीडरशिप से कोई भी खुश नहीं है, पता है? जानती हो, एक कंपनी फेल हो रही है, ये कहाँ से पता चलता है? कैफेटेरिया और ऑफिस पैंट्री से। वहाँ से कॉफी मशीन हटाकर उन्होंने अच्छा नहीं किया। हाँ, और आज तुम कैफेटेरिया गई थी क्या? सालों ने हमारा योगर्ट तक बंद करवा दिया। ये शो में नहीं जा पाया। इस नए बॉस का कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इन लोगों को अपने एम्प्लॉइज के इमोशंस की कोई भी परवाह नहीं है। और ये सब तुम्हारे साथ भी हो सकता है, समझी? कुछ करना चाहिए। हम क्या बस बैठे बैठे देखते रहेंगे? मुझे नहीं लगता ऐसी बातें हमें सेक्रेटरी टीम के सामने करनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी की लीडरशिप के तुम खास प्यादे हो, इसलिए। ये गलत फहमी है, मैं तो बस इधर उधर के काम निपटाता हूँ। वो भी सबके राज बताकर। हाँ सही कहा, पर मुझे उसका पछतावा है। क्यों? उसके बाद भी मुझे बेग सर ने अच्छे से ट्रीट किया। कभी कोई गलती होती तो हमेशा माफ करते, और तो और उन्होंने मेरे भाई की ट्यूशन की फीस भी भरी। मैंने गलत किया उनके साथ। हो सकता है ये तुम्हारी वफादारी बोल रही हो। नए मालिक की इतनी चाटोगे तो जीभ थक जाएगी। कॉल आ रहा है। कौन बोल रहा है? हाँ बताइए। हाँ क्या कहा? अरे तूने वो एजेंट के बारे में पूछा था ना, वो तो मर गया यार। लोग कह रहे हैं कि मर्डर हुआ है। मर्डर हुआ है? जिस दिन तू जर्मनी गया था उसी दिन न्यूज में आया था, लेकिन मुझे आज पता चला। ठीक है, समझ गया। कैप्टन, मुझे सस्पेक्ट का पता चल गया। हा? कत्ल करने के बाद वो सीधा जर्मनी भाग गया, लेकिन हमें पता चल गया है कि वो कहाँ ठहरा हुआ है। ओके, अभी कभी कोर्ट से वारंट लेकर उसे फॉरेन अफेयर्स ब्यूरो भेजना है। हमें इसे किसी भी तरह पकड़ना है, समझे? जी सर। एक मिनट, इसके पकड़े जाने तक मुंह बंद रखो और प्रेस को बिल्कुल भी पता न चले। जी, मैं समझ गया सर। मैं दाही से मिलकर आ रही हूँ। क्या, आप खुद क्यों गई? मुझसे कह देती। मुझे लगा था वो समझदार होगी। मैंने आपसे कहा था ना, उसे प्यार हो गया है, इसीलिए चुनहो को कॉल किया। आपने उस कमीने को कॉल किया उससे निपटने के लिए? जिन पर रहम किया था वो परेशानी बन गए हैं।